नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मैं नाम विशाल और दोस्तों फाइनली हमारे पास में द न्यू मैकबुक प्रो 2021 का मॉडल आ चुका है जो कि M1 प्रोसेसर के साथ में आता है। सो इसके अंदर द न्यू M1 प्रो प्रोसेसर है जो कि एक 10 कोर CPU के साथ में आता है, उसी के साथ में 16 कोर GPU के साथ में आता है। तो हमने रिसेंटली यहाँ पे 16 इंच के मॉडल को परचेज किया है, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो बाय द वे आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रहा है, आप जाके क्लिक करके उसके अनबॉक्सिंग वीडियो को देख सकते हैं जो कि हमने इन स्टोर में ही अनबॉक्सिंग की थी। अब दोस्तों फर्स्ट थिंग, अगर मैं बात करूं इस मैकबुक के बारे में, तो यस ऑफकोर्स ये मैकबुक जो है थोड़ा सा हमको एक डिफरेंट न्यू परस्पेक्टिव में डिज़ाइन फॉर्म फैक्टर में मिलता है। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें थिकनेस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल जो हमको देखने के लिए मिलता था। तो अगर हम इसका थिकनेस वाइज कंपैरिजन करें प्रीवियस मैकबुक से, तो यस ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है इसका थिकनेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मैकबुक जो हमको मिलता था। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज ये काफ़ी न्यू एंड काफ़ी इसका जो डिज़ाइन लगता है काफ़ी न्यूश लगता है। एंड अगर हम बैक साइड में जाएँ तो बैक साइड में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक न्यू ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है जो कि मैकबुक प्रो की है। सो इसके पहले वाले जो मैकबुक्स आते थे वहाँ पे हमको ऐसे ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे एक न्यू ब्रांडिंग हमको देखने को मिल रहा है जो कि मैकबुक प्रो का है। एंड इनिशियल इंप्रेशन वाइज अगर टॉप साइड में भी हम बात करें, तो टॉप साइड में भी जो लोगो का यहाँ पे जो एक्चुअली साइज़ है ये भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमको दिख रहा है। सो लिटिल बिट इसका साइज़ को बढ़ाया गया है, बट वेरी क्लीन फिनिश। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अब इसके इसमें जो पोर्ट्स आपको नए मिल रहे हैं। तो पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्टली ऑन टू द राइट हैंड साइड अगर हम बात करें तो हमारे पास में है HDMI पोर्ट, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है एंड एक SD कार्ड स्लॉट। एंड SD कार्ड का होना यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज क्रिएटर्स लाइक मी, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो हमको करेंटली डोंगल्स यूज़ करने पड़ते हैं टू कनेक्ट करने के लिए, बट SD कार्ड स्लॉट का रिटर्न होना बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो न्यू मैकसेफ चार्जर है यहाँ पे, उसका पोर्ट दिया गया है एंड साथ में 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स दिए गए हैं एंड एक न्यू 3.5 mm जैक दिया गया है। तो दोस्तों मैकसेफ जो यहाँ पे पोर्ट दिया गया है इसको यूज़ करके आप फास्ट यहाँ पे बैटरी चार्ज कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन जो कि न्यूली इंटीग्रेट किया गया, जिसकी वजह से आप 50% ऑफ द बैटरी रीच कर सकते हैं इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है बाय द वे। अब चलिए इसके अंदर देखते हैं, अगर हम इसको ओपन अप करें तो ओपन करने के बाद में जो फर्स्ट थिंग हमको न्यू देखने को मिलती है वो ऐसा कंप्लीट न्यू डिज़ाइन ऑफ द कीबोर्ड लेआउट। तो कीबोर्ड लेआउट यहाँ पे कंप्लीट न्यू डिज़ाइन के साथ में आ रहा है, साथ में जो इसका फील है टैक्टाइल फील है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा फील है यहाँ पे। अगर टाइपिंग वगैरह आप करें तो टाइपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ में टच बार को रिमूव कर दिया गया जो कि प्रीवियसली हमारे पास में जितने भी मैकबुक्स थे फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता था कि टच बार्स थे, लेकिन उसको अब कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। सो बाय द वे आप इससे हैप्पी हैं कि आप इससे लाइक आपको नहीं अच्छा लगा ये चेंज, आप इसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम बात करें तो फुल हाइट फंक्शंस की कीज प्रोवाइड किए गए, साथ में हमारे पास में टच ID है यहाँ पे। एंड अगर हम बाकी सारे कीज़ के बारे में बात करें तो बाकी सारे कीज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड ये जो न्यू डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे बैकग्राउंड में एक कंप्लीट न्यू ब्लैक एनोडाइज्ड एल्युमिनियम का जो डिज़ाइन फिनिश बनाया गया काफ़ी अच्छा है। उसके पहले हमको जो मिलता था वहाँ पे सिल्वर फिनिश हमको मिलता था, तो इस टाइप का डिज़ाइन हमको फॉर्म फैक्टर नहीं देखने को मिलता था, लेकिन ये जो है ये काफ़ी अच्छा है। जो ट्रैक पैड का साइज़ है ये सेम रखा गया है, थोड़ा सा और भी इंक्रीज देखने के लिए मिलता है लेकिन ट्रैक पैड का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है एंड सेम जेस्टर्स के साथ में आता है, वेरी एफिशिएंट इनफ। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें जो कि सबसे मेन थिंग है इस मशीन का, वो है इसका डिस्प्ले एंड वन ऑफ द सबसे बेस्ट डिस्प्ले मैं इसको कह सकता हूँ, बिकॉज अब तक जितने भी मशीन्स मैंने देखे लाइक लैपटॉप्स हम कह लें या फिर कोई भी अनदर मैकबुक हम कह लें, तो वन ऑफ द सबसे बेस्ट डिस्प्ले। बिकॉज सो डिस्प्ले जो इसका है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये प्रो रेस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ के अडेप्टिव सिंक के साथ में आता है, तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं मैकबुक प्रो के ऊपर, तो फर्स्ट टाइम इन टू द हिस्ट्री होगा कि मैकबुक प्रो के ऊपर जो गेमिंग का रिफ्रेश रेट होगा बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में अगर हम बात करें
डिस्प्ले में ब्राइटनेस के बारे में, तो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस उसका रीच करता है, उसी के साथ में 1000 निट्स तक का सस्टेन ब्राइटनेस है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके पहले वाले जो मैकबुक्स आते थे वहाँ पर 500 निट्स का ब्राइटनेस था, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ब्राइटनेस हमको मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डबल दे यहाँ पर परफॉर्मेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड साथ में जो साइज़ है, लाइक इसके पहले मैं यूज़ कर रहा था 15.6 इंच के लैपटॉप्स को, तो 15.6 इंच से 16.2 पे आने पे यहाँ पे क्लियरली जो साइज़ डिफरेंस है वो दिखाई देता है, बिकॉज एक लार्जर डिस्प्ले हमको मिलता है एंड बेटर डिस्प्ले हमको मिल रहा है, जो यहाँ पे क्लैरिटी है, जो यहाँ पे ब्राइटनेस है, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ पे देखने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे एक टॉप साइड में एक नॉच दिया गया ऑब्वियसली, बट ये नॉच जो है ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता है, अगर आप यहाँ पे माउस वगैरह को मूव करते हैं तो ये स्मूथली मूव आउट करता है, यहाँ पे कोई भी जंप मूव नहीं है कि आप यहाँ से मूव करें तो डायरेक्टली यहाँ पे मूव हो जाएगा, एक स्मूथ मूव दिया गया यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ भी है। एंड कोई यहाँ पे स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है कि लाइक हम कह सकते हैं कि ये इंटरफेयर करता किसी भी एप्लीकेशन के साथ में, अगर मैं यहाँ पे सफारी ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सफारी ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो एक्चुअली जो नॉच एरिया वो ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, बिकॉज वो जो एरिया है नॉच एरिया वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है मेनू बार के लिए, तो जो फाइंडर का मेनू बार है उसके लिए स्पेसिफिकली वो एरिया डेडिकेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी एप्लीकेशन साथ में, जो एप्लीकेशन है वहाँ पर बहुत ही स्मूथली इंटीग्रेट करते हैं इसके साथ में। नेक्स्ट थिंग, अगर हम स्पीकर्स के बारे में बात करें, स्पीकर्स डेफिनेटली यहाँ पे लाउडर हैं, हमने इसको टेस्ट किया तो स्पीकर्स जो सिस्टम यहाँ पे न्यू 6 स्पीकर सिस्टम हमको देखने में मिल रहा है, तो स्पीकर्स यहाँ पे डेफिनेटली लाउडर हैं एंड बेटर हैं। एज पार्ट ऑफ द बैटरी परफॉर्मेंस अभी तक हम टेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो बैटरी परफॉर्मेंस को हम टेस्ट करना चाहेंगे बहुत ही जल्दी, तो बैटरी परफॉर्मेंस एक्चुअली हम टेस्ट करके आपको बताएं कि कितने आवर्स तक इसकी बैटरी लास्ट कर सकती है। एप्पल का जो कहना है बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में वो 21 आवर्स है, तो 21 आवर्स तक के लिए हमको वीडियो प्लेबैक मिल सकता है, बट एक्चुअली हम इसको टेस्ट करेंगे। अब दोस्तों फाइनली चलिए आते हैं इसमें जो प्रोसेसर है उसके बारे में बात करते हैं, तो प्रोसेसर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर करेंटली जो प्रोसेसर हमको मिलता है वो M1 Pro प्रोसेसर है, तो M1 Pro प्रोसेसर के अंदर हमको 16 कोर्स ऑफ GPU मिल रहा है, साथ में 10 कोर्स ऑफ CPU मिल रहा है, जो कि एक बेटर परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड करता है देन द M1 प्रोसेसर। हमने ऑलरेडी M1 प्रोसेसर को यूज़ किया है तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, बट अब हम देखना चाहेंगे कि M1 Pro में हमको और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ में इस लैपटॉप में के अंदर आपको 16 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी मिलती है, 512 GB ऑफ स्टोरेज मिलता है, तो स्टोरेज में अगर हम देखें तो 494 GB एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल है एंड 466 मेरे पास में यूजेबल है। अभी तक मैंने इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं किया, ये डायरेक्टली फैक्ट्री इंस्टॉल्ड आया हुआ है मेरे पास में, अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं किया, सो 466 GB मेरे पास में करंटली स्पेस अवेलेबल है, तो एक इनफ एंड अच्छा स्पेस अवेलेबल है। बाय द वे इसका जो SSD है ये काफ़ी फास्ट है, इट्स रियली अमेजिंग, उसके हम बेंचमार्क रिजल्ट्स को बहुत ही जल्दी लेके आ रहे हैं एंड ओवर इन ऑल जितने भी इसके बेंचमार्क रिजल्ट्स हैं हम सभी को लेके आ रहे हैं भाई आप लोगों के लिए। सो दोस्तों इनिशियल इंप्रेशन वाइज एंड इनिशियल जो अभी हमने इसको जस्ट जो रन किया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एंड करंटली जो डिज़ाइन एंड फॉर्म फैक्टर सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। एंड अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस की होगी एंड आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक अलग रिव्यू वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाएंगे। एंड इफ़ इन केस आप किसी स्पेसिफिक पर्पस से लेना चाहते हैं इस लैपटॉप को या फिर किसी भी अनदर रीज़न से लेना चाहते हैं एंड आपको कोई क्वेरी हो तो उसको भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों एक क्वेश्चन को जो मैं आंसर करना चाहूँगा बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो ऑफ वो है कि ये मशीन किसके लिए बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए एप्पल ने कंप्लीट न्यू लाइनअप जो बिल्ड किया है M1 प्रोसेसर के साथ में वहाँ पे मैकबुक प्रो, सो मैकबुक प्रो जो है ये एक्चुअल में अब ये प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बनाया गया, सो ये कोई बहुत ही लाइक ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही चीप कॉस्ट में अवेलेबल मशीन है, इसका जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी लाइक हम देख सकते हैं कि जो मेरे पास में अवेलेबल मशीन है ये 2,40,000 का, सो प्राइस ऑलमोस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है। एंड जो यहाँ पे बॉटम साइड में एक प्रिंट बनाया गया मैकबुक प्रो ये एक्चुअली डेजिग्नेट करता है कि ये मशीन बना हुआ है प्रोफेशनल यूजर्स के लिए, तो अनटिल अनलेस आप एक प्रोफेशनल यूज़र नहीं हैं तो आपके लिए ये मशीन नहीं बना हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि आप इसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं, बट यस इसका जो परफॉर्मेंस है इसका जो यूज़ है वो एक्चुअली प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बनाया गया, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल टूल है। आप
एंड अगर आप जस्ट जनरल परस्पेक्टिव से, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप लाइक होम यूज़ के लिए या फिर ऑफिस यूज़ के लिए परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लैपटॉप नहीं बना हुआ, उसके लिए फिर M1 प्रोसेसर साथ में आने वाला मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो बना हुआ है। ये जो है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन यूजर्स के लिए जो हैवी टास्क के साथ में जाना चाहते हैं, बिकॉज M1 प्रोसेसर साथ में आने वाला जो लैपटॉप है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लाइक आप उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टास्क कर सकते हैं, ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जो आप M1 प्रोसेसर के ऊपर कर नहीं सकते। लेकिन ये मशीन स्पेसिफिकली बना हुआ है उन यूजर्स के लिए जो डिमांड करते हैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस की, सो उनके लिए ये बना हुआ है। सो अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र हैं, अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग के प्रोफेशनल यूज़ के लिए एक लैपटॉप एक मशीन की ज़रूरत है, देन ये आपके लिए स्पेसिफिकली बना हुआ। सो दोस्तों प्राइस परस्पेक्टिव वाइज ये लैपटॉप ऑब्वियसली महंगा है, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल टूल है, ना कि एक जनरल पर्पज़ में एक लैपटॉप है। सो दोस्तों ये एक मेरा मेजर कंसर्न था, बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि क्या ये वर्थ इट है कि हम परचेज करें मैकबुक प्रो 16 इंच या फिर 14 इंच जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है इसके बारे में, एंड इफ इस केस और भी कोई क्वेश्चन हो सो प्लीज़ आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।